नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, कल एक बेहद ही खास हमें रोमांच देखने को मिला क्रिकेट के ग्राउंड पर, और वो सेल्डन जैक्सन की वजह से देखने को मिला, जिन्होंने कल एक बार फिर से अपनी विकेट कीपिंग की वजह से सभी का दिल जीत लिया। लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये केएल राहुल से भी तगड़े विकेट कीपर हैं, तो किसी का कहना है कि ऋषभ पंत को आने वाले दिनों में सेल्डन जैक्सन पूरी तरह से बीट कर सकते हैं। दोस्तों, सेल्डन जैक्सन जो कि अभी हाल ही में आईपीएल में देखने को मिले हैं, इन्होंने पूरी तरह से सबको हैरान करके रख दिया है। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे सौराष्ट्र का ये खिलाड़ी सभी को हैरान कर रहा है, और इंडिया का बेहद ही शानदार खिलाड़ी सेल्डन जैक्सन ने सभी को हैरान करके रख दिया अपनी विकेट कीपिंग से, और लोग इनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। 35 साल के इस खिलाड़ी ने बेहद ही खास तरह से जब रॉबिन उथप्पा का विकेट चटकाया तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। जी हाँ, आपको बता दें, ये बात है उस समय की जब रॉबिन उथप्पा खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि रॉबिन उथप्पा जरूर कोई ना कोई कारनामा करके जाएंगे, लेकिन तभी अचानक से ही देखने को मिला कि रॉबिन उथप्पा वरुण चक्रवर्ती की गेंदों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो शायद भूल गए कि पीछे महेंद्र सिंह धोनी जैसा चुस्त और तंदुरुस्त विकेट कीपर है। रॉबिन उथप्पा ने बहुत बड़ी गलती कर दी सेल्डन जैक्सन को एक बच्चा समझने की, और ऐसे में रॉबिन उथप्पा का जो विकेट चटका वो बहुत ही आसानी से और महेंद्र सिंह धोनी से पहले भी इन्होंने चटका कर रख दिया विकेट के पीछे से, और एक बार को तो सचिन तेंदुलकर और बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी इनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। आपको बता दें कि केएल राहुल ने भी इनकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। केएल राहुल का भी मानना है कि सेल्डन जैक्सन ने जो रॉबिन उथप्पा की स्टंपिंग की है उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। आपको बता दें, सेल्डन जैक्सन ने महज एक सेकंड के अंदर ही उथप्पा का विकेट चटका दिया और स्टंपिंग कर दी। उथप्पा के पास कोई चांस ही नहीं था कि वो एक बार फिर से बैक कर सके, अंदर जा सके क्रीज के, और जब तक उथप्पा जाते तब तक सेल्डन जैक्सन ने अपना काम कर दिया था। दोस्तों, 35 वर्षीय इस खिलाड़ी की आज पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, और कहा जा रहा है कि अगले एक साल के अंदर अंदर अगर ये खिलाड़ी आपको टीम इंडिया की कीपिंग करते हुए देखने को मिले तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि आपको बता दें, इन्होंने अपनी एक स्टंपिंग से ही सभी का दिल जीत लिया। इनकी बैटिंग बहुत लेट आई और तब तक केकेआर ने अपना काम कर दिया था, इस वजह से सेल्डन जैक्सन इस मैच में किसी भी तरह से बल्लेबाजी में प्रतिभा ना दिखा सके, 3 गेंदों पर सिर्फ 3 ही रन बना सके, लेकिन इनकी एक स्टंपिंग ने सभी का दिल जीत लिया है। और रॉबिन उथप्पा जिस वक्त बहुत ही खतरनाक लग रहे थे, उसी वक्त रॉबिन उथप्पा को सेल्डन जैक्सन ने पवेलियन का रास्ता दिखाया स्टंपिंग करके। बता दें कि 49 रनों पर ही उथप्पा का विकेट गिरा जब 7 ओवर की 5वीं गेंद फेंकी गई, और देखने को मिला कि वरुण चक्रवर्ती ने उथप्पा को पवेलियन का रास्ता दिखाया, और इस विकेट के पीछे सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ रहा तो वो सेल्डन जैक्सन का था, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से विकेट कीपिंग की, और रॉबिन उथप्पा को जिस टाइम पर वो खतरनाक साबित हो सकते थे उस टाइम पर उनका विकेट चटकाया स्टंपिंग करके, और महेंद्र सिंह धोनी से भी तेज फुर्ती दिखाई इन्होंने, और इसी वजह से इनकी बहुत तारीफ हो रही है। केएल राहुल, महेंद्र सिंह धोनी और इसके अलावा विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने भी इनकी तारीफ की है, सचिन तेंदुलकर ने भी इनकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। तो आपको इनकी स्टंपिंग कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।